पति पत्नी दोनों जीवन भर का साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर बिताते हैं, लेकिन अब रमीला शैतान ग्रासिया की आंखें बनने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शैतान बचपन से ही दृष्टिहीन है और रमीला पूर्णतः सक्षम है। शैतान सिया का सपना है कि वह एक आरएस अधिकारी बने और वह अभी 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में पढ़ाता भी है, लेकिन रमीला पूर्णतः सक्षम होने के बावजूद भी शैतान से शादी करने के लिए तैयार है। इसके पीछे का कारण यह है कि रमीला ने बताया कि उनके वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जब से उसने शैतान को देखा तब से ही उन्हें यह काफी ज्यादा पसंद आ गए और इसके बाद वह उनसे शादी के लिए तैयार हो गई। रमीला का कहना है कि शैतान देख नहीं सकते तो क्या हुआ, वह उनकी आंखें बनकर उनका साथ जीवन भर निभाएगी। अब उदयपुर में नारायण सेवा संस्था में होने वाले सामूहिक विवाह में यह दोनों एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं और उनका आने वाला जीवन खुशमय हो इसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। रमीला का कहना है कि वह शैतान की आंखें बनकर उनका साथ जीवन भर देगी। प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय उदयपुर में 12वीं तक तो मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जोधपुर से कंप्लीट की और अभी मैं एमए कर रहा हूँ साथ में, और मैं आरएस की तैयारी हूँ। मेरा सपना छोटा सा था तब से, मेरा एक लक्ष्य, मैं समझदार हुआ तब से मेरा लक्ष्य था कि मतलब मुझे आरएस बनना है। जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ है तो उनके में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो एकदम कंप्लीट सही है और ऐसा बहुत ही कम लोगों को होता है। तो मैं और उनके घर वाले भी मतलब राजी है और हमने उनको सारी बातें बताई कि भाई से बड़ी की है, अभी मैं अंकल के साथ ही रहती हूँ, जिससे मेरी शादी हो रही है उनसे दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लड़का है, मेरे को अच्छा लगता है। हमारे इधर अधिकतर लड़के हैं वो शराब पीते हैं और इधर इधर घूमते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं। इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी है, ऐसी कोई गंदी आदत नहीं है, शराब नहीं पीते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ कर लिए तो मेरे घर वाले भी राजी हैं, मेरे अंकल और सब राजी खुशी हैं। उनकी आंखें नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं उनकी आंखें बनकर जीवन बरसात निभाऊंगी। मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, फिर भी मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।